नमस्कार, डिजिटल वॉल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे सैमसंग गैलेक्सी J7 प्रो का क्विक रिव्यू और सेंसर। चलिए हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या सेंसर है। सेंसर को देखने के लिए हम एक ऐप डाउनलोड करेंगे जो CPU-Z है। चलिए हम CPU-Z को इंस्टॉल करते हैं। अभी इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल आप ओपन करेंगे, जो सैमसंग गैलेक्सी J7 प्रो जो है आप देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया डिवाइस बनाया हुआ है मेरे हिसाब से, लेकिन प्राइस ज़रा ओवर प्राइस है। नीचे है माइक्रो USB पोर्ट, हेडफोन जैक, एक माइक है। इधर है राइट पे है एक पावर बटन, स्पीकर ग्रिल, ऊपर कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। एक नॉइस कैंसिलेशन माइक होगा, नॉइस कैंसिलेशन माइक तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। नॉइस कैंसिलेशन माइक थोड़ा माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से, शायद यह इंस्टॉल हो चुका है। देख लेते हैं। हाँ, सैमसंग गैलेक्सी J7 प्रो। चलिए डिवाइस नेम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सैमसंग गैलेक्सी J7 प्रो है, SM J730GM। जो स्क्रीन साइज है वो 5.5 इंच, स्क्रीन रेजोल्यूशन फुल HD 1080p, स्क्रीन डेंसिटी है 400 DPI और उसका वेट है 181 ग्राम। टोटल रैम है 3GB में से आपको मिलेगा 2816 MB। जो सिस्टम है SoC वो सैमसंग एक्जीनोस ऑक्टा 7870 जो 1.59 GHz पे है। उसका कोर 8 कोर्स है, यानी कि ऑक्टा कोर्स है। आर्म बेस आर्म कॉर्टेक्स S53। जो उसका प्रोसेस है वो 14 नैनोमीटर है, 14 नैनोमीटर होने से पावर इफिशियंट होगा डिवाइस। जो सिस्टम है वो एंड्रॉइड नुगात जो आप देख पा रहे हैं। बैटरी 3600 mAh, वो लायन टेम्परेचर है अभी 32.6 डिग्री सेल्सियस। उसका जो सेंसर है वो एक्सेलेरोमीटर है, जायरोस्कोप भी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, मैग्नेटोमीटर, प्रॉक्सिमिटी लाइट, यानी कि मेरे हिसाब से सैमसंग इस डिवाइस में लगभग सारी सेंसर दिया हुआ है। चलिए हम इसका सेंसर टेस्ट कर लेते हैं। चलिए हम कॉम्पास से शुरू करते हैं। इसका जो कॉम्पास है आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ। अभी आप देख पा रहे हैं ये कॉम्पास भी काम कर रहा है। कंपास की मदद से आप मैप वगैरह अच्छी तरह से देख पाएंगे। मैं दिखा देता हूं अभी। जो ब्लू डॉट है वो मेरा लोकेशन दिखा रहा है अभी। जो अगर मैं मेनू पे डॉट पे अगर क्लिक करता हूं तो मैं किधर हूं, किस तरफ हूं, ये दिखा देगा मुझे। हाँ, अभी दिखा रहा है मैं
किधर पे मुख करे देखा देख रहा हूँ ये। अगर मैं राइट को घुमाता हूँ सेट को, तो ये कंपास भी घूम जाएगा, यानी कि इस कंपास के मदद से आप किस दिशा में कौन कौन सी जगह है या कौन कौन सी अस्पताल दुकान वगैरह है ये आप देख पाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कंपास की मदद से मैप को किस तरह से यूज करते हैं आप देख रहे हैं। चलिए हम इसका लाइट सेंसर टेस्ट करते हैं। अभी अगर हम लाइट सेंसर पे उंगली रखते हैं तो ये काम करना शुरू कर देगा। हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले डिम हो गया है। अगर मैं हाथ को छोड़ देता हूँ तो ये और लाइट देगा, यानी कि मैं बाहर हूँ ये दिखा के ये लाइट हो जाएगा डिस्प्ले। और सॉरी, देखिए ये डिम हो जाएगा। हाँ, डिम हो गया है। अगर मैं छोड़ देता हूँ तो फिर से लाइट हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए हम इसका जायरोस्कोप भी टेस्ट करते हैं। जायरोस्कोप टेस्ट करने के लिए हम 360 वीडियो को देखते हैं। 360 वीडियो, 360 काम करते हैं कि नहीं देखते हैं। 360 वीडियो, चलिए हम इसका ये देखते हैं। हाँ, काम कर रहे हैं। हाँ जी, as you can see काम कर रहे हैं, यानी कि इस मोबाइल से 360 वीडियो आप देख पाएंगे बहुत ही बढ़िया तरह, बढ़िया हिसाब से। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है ये। आप देख पा रहे होंगे ये मेरे मोबाइल के हिसाब से वीडियो भी घूम रहा है। और भी बहुत सारा सेंसर है यहाँ पे, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। सो थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों की कोई सवाल या सुझाव हो तो मेरे इस वीडियो के देख के आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे। मैं आप लोगों के कमेंट्स के जरूर रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू गाइस मेरे सूते वीडियो को देखने के लिए। ये था सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro का सेंसर रिव्यू। थैंक यू गाइस।